नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यन्दु मंडोल। मेरा यूट्यूब चैनल सेफ स्टॉक ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। मैंने कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स लेकर डिस्कस करूँगा, स्टॉक मार्केट न्यूज़ भी अपडेट करूँगा। तो वीडियो आप लोग अंत तक जरूर देखिए और इसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसका नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाएगा रेगुलर बेसिस पे। जो टॉपिक्स लेके मैंने डिस्कस करूँगा वो है ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या है, बिगिनर्स का एनालिसिस ऑफ ग्रे मार्केट प्रीमियम, ग्रे मार्केट प्रीमियम से आप कैसे कमा सकते हैं, ठीक है। सेकंड जो चीज़ है ये डिस्कस करूँगा ये है गोल्ड इन्वेस्टमेंट इन दिवाली में क्या सही होगा, ठीक है। ये दोनों टॉपिक्स डिस्कस करूँगा। उसके बाद मैंने ये जो एक्सेल फाइल है तो एक्सेल फाइल से ये जो न्यूज़ है, इतना सारा न्यूज़ है तो इसका लिंक मैंने एक एक करके मैंने दिखाऊंगा आप लोग को। और ये इसका डिस्क्रिप्शन भी आप इसका यूट्यूब वीडियो का डिस्क्रिप्शन में ये लिंक भी आप लोग को मिल जाएगा। ये एक फाइल है और इसका भी फाइल है, ठीक है। इतना सारा जो है तो आप लोग देख सकते हैं। तो वीडियो आप लोग अंत तक जरूर देखिए और इसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि ये सब चीज़ का वीडियो आप लोग रेगुलर बेसिस पर मिल जाएगा। इसके अलावा मैंने ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी लाइव मार्केट में दिखाता हूँ जो आप लोग में बहुत सारा चीज़ सीख सकता है उसमें से, ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी का स्ट्रैटेजी से कैसे लाइव मार्केट में दिखाता हूँ। मैंने कोई स्ट्रैटेजी ऐसा नहीं है कि मैंने आप लोग को दिखा दिया और बाद में वो काम नहीं करता है तो आप लोग को कुछ प्रॉब्लम आता है। तो मैंने ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी मैंने लाइव मार्केट में ही करके दिखाता हूँ। तो वो भी आप लोग को बहुत सारा इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन बहुत पॉइंट आप लोग को मिलने वाला है। तो वो भी आप लोग देख रेगुलर बेसिस पर मिल जाएगा उसका नोटिफिकेशन। और इसके अलावा मैंने मार्केट एनालिसिस निफ्टी बैंक निफ्टी एनालिसिस वीकली देता हूँ और स्टॉक मार्केट के न्यूज़ के साथ डेली भी दे देता हूँ। तो ऑलमोस्ट डेली देता हूँ, दो तीन चार बार तो मैं वीकली में दे देता हूँ। और वीकली जो देता हूँ वो तो आप लोग जरूर देखिए उसमें, और हफ्ते आप लोग को, और उसमें बैंक सेलिंग लेवल्स दिखाता हूँ डेली वीकली मंथली का कहाँ पर सपोर्ट रेजिस्टेंस है उसमें से आप लोग को बहुत ही फायदा है। और ये सब का वीडियो सब लोग को रेगुलर बेसिस पे नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और जो कुछ भी सामने मेरा आता है तो वो भी आप लोग को ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी या नॉलेज के बारे में कुछ चीज़ है तो वो सब आप लोग को दिखा देता हूँ। तो वो उसका नोटिफिकेशन आप लोग को रेगुलर बेसिस पे मिल जाएगा। वो जब भी कोई नोट नया वीडियो लोड करूँगा तो उसका आप लोग को रेगुलर बेसिस पे मिल जाएगा। और मेरा यूट्यूब वीडियो का यूट्यूब वीडियो पे ऑलरेडी बहुत सारा चार्ट का चार्ट स्ट्रैटेजीज है जो आप लोग को बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। मेरा यूट्यूब वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर देखिए, उसमें आप लोग को बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस का लिंक मिल जाएगा। इसके अलावा बहुत सारे टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस बना हुआ है जो आप लोग को बहुत ही कम पे जो आप लोग ढूंढ रहे हो आप लोग को मिल जा सकता है। वो आप लोग चैनल पे जाके सर्च कर सकता है। और मेरे यूट्यूब वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मेरा ट्रेनिंग मॉड्यूल है जो आप लोग बहुत कम कॉस्ट में बहुत सारा चीज़ सिखाया जाएगा जो आप लोग को 10 गुना 20 गुना या 30 गुना ज़्यादा खर्चा करके भी कहीं नहीं मिलेगा। तो वो आप लोग जरूर देखिए और आप लोग ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड कीजिए तो आप लोग को बहुत ही फायदा होगा, आप लोग को ट्रेनिंग इम्प्रूवमेंट आएगा और स्टॉक मार्केट से भी आप लोग इंडिपेंडेंटली काम कर सकता है। और मेरा यूट्यूब चैनल पे डिस्क्रिप्शन में एंजल बुकिंग आस्था टेड एलिस ब्लू स्टॉक्स का लिंक दिया हुआ है जो जिन लोगों का बहुत ही फैसिलिटीज़ है जो एक स्टॉक मार्केट में काम करने के लिए बेस्ट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म का जरूरत होता है, जिसमें आप लोग को बहुत सारा चीज़ आप लोग को फैसिलिटीज़ मिलेगा। और मेरी तरफ से भी आप लोग अकाउंट हैंडलिंग करवाएंगे या कॉल सर्विस लेंगे या ट्रेनिंग लेंगे तो मेरी तरफ से भी आप लोग को फैसिलिटीज़ दिया जाएगा। तो देखिए मैंने ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या है, बिगिनर्स एनालिसिस ग्रे मार्केट। तो ग्रे मार्केट प्रीमियम जो है, देखिए दोस्तों, ग्रे मार्केट में लोग नया है वो हमेशा ही एक टर्म सुनते हैं आईपीओ और ग्रे मार्केट प्रीमियम। बहुत लोग कन्फ्यूज रहता है कि क्या है ये ग्रे मार्केट प्रीमियम और इसे क्या होता है। बहुत लोग इस नाम से परेशान है कि क्या है ये इलीगल है इसलिए ग्रे मार्केट रहा है क्या। कुछ लोगों को ये भी लगता है कि ये एक तरीके का बेटिंग है
ऐसे बहुत सारी कंफ्यूजन के बीच में असली ग्रे मार्केट प्रीमियम का मीनिंग खो जाता है और लोग अपना डेफिनेशन बना लेते हैं। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या होता है और ग्रे मार्केट प्रीमियम से कैसे आप शेयर लिस्टिंग से पहले उसका लिस्टिंग गेन या लॉस के बारे में अंदाज लगा सकते हैं। तो ये सब इन्फॉर्मेशन जान के लिए पूरा वीडियो एंड तक जरूर देखिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मैंने पहले छोटा करके आपको एक ये तो दे दूँगा, मैंने लिंक भी आप लोग को दे दूँगा। तो इसका पूरा पढ़ने से कुछ मेरा मैंने देखता हूँ पढ़ सकता हूँ, लेकिन मैंने इन सामरी आप लोग को बोल देता हूँ। जब कुछ आईपीओ कंपनी का निकलता है, कंपनी का जब कुछ इनिशियल पब्लिक ऑफर निकलता है, मतलब कोई कंपनी सोच लीजिए स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग करने के लिए जा रहा है, लिस्टिंग करने के लिए इच्छा है, इसे विश कर रहा है, तो उसको पहले इनिशियल पब्लिक ऑफर दे देता है। तो इनिशियल पब्लिक ऑफर के बाद इसका कुछ एप्लीकेशन मनी का मिनिमम एप्लीकेशन का मनी डिपॉजिट करना पड़ता है, उसका हिसाब से अलॉटमेंट होता है, स्टॉक का अलॉटमेंट हो जाता है। तो जो पूरा नहीं होता है, मतलब सोच लीजिए 500 करोड़ का उसका आईपीओ है, तो उसके सोच लीजिए 1000 करोड़ का एप्लीकेशन जमा हुआ है, तो प्रोराटा बेसिस पे आप सोच लीजिए 10 लॉट का किया है, तो आपको सोच लीजिए प्रोराटा बेसिस पे 2 लॉट या 3 लॉट मिल सकता है, या जो कुछ भी नहीं मिलेगा आप लोग को एप्लीकेशन मनी आपको वापस किया जाएगा, ठीक है। बैंक के थ्रू में ये ट्रांजेक्शन होता है, कोई एक बैंक को उसको मर्चेंट बैंक बोलता है, इसका हिसाब से उसी का थ्रू में आपको डिपॉजिट करना पड़ता है, या ब्रोकर का डीलर के थ्रू में इसका ब्रोकर का डीलर में करेंगे तो फिर से वो बैंक के थ्रू में ही चैनलाइज होता है। एनीवे तो उसके बाद जो सोच लीजिए पब्लिक ऑफर और लिस्टिंग का जब एप्लीकेशन तो हो गया है, तो उसके बाद जब लिस्टिंग होगा उसमें से एक टाइम लैग होता है, उस टाइम लैग के अंदर सोच लीजिए 100 रुपीज़ करके इसका लिस्टिंग मतलब प्राइस का लिस्टिंग का प्राइस का शेयर होगा, वो टाइम इसके अंदर जो एप्लीकेशन और लिस्टिंग के अंदर जो टाइम लैग होता है उसके अंदर ये कुछ आप इसका आप लोग वही स्टॉक्स को आप जो आपको आपको जो एप्लीकेशन आप किया है उसको आप खरीद सकता है या बेच सकता है। सोच लीजिए 100 रुपीज़ करके आप लोग पर शेयर आप लोग आप एप्लीकेशन करके खरीदा है, तो उसको आप लोग आप उसको 120 रुपया पे वो उसको ग्रे प्रीमियम का जो 20 रुपया का है वो उसको ग्रे मार्केट प्रीमियम कहता है। तो इसमें से भी बहुत ही फ़ायदा होता है, इसमें से आप बहुत ही कमा सकते हैं। और एक तरीका है जिसको कोष्टक बोलता है, तो उसको क्या है आपका जो खरीदा है वो दूसरे को बेच दिया है, तो वो भी एक दो तरीका है इसमें। तो आपने इसे इससे इन शॉर्ट आप लोग को दिखाता हूँ, ठीक है दोस्तों। ग्रे मार्केट प्रीमियम का सच दोस्तों दुनिया में सिर्फ दो कलर का ये ब्लैक एंड व्हाइट ही नहीं है, इसमें बहुत सारा चीज़ मैंने लिखा है, तो इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, मगर बहुत सारे और भी कलर्स हैं जिसमें जिसके एक है ग्रे, नाम ग्रे होने से खराब है, ठीक है। ये सब आप लोग को इतना पढ़ने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये देखिए इधर से देखिए, कोई भी कंपनी जब अपना इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग लाती है, यानी आईपीओ का उसका एक इशू डेट होता है, जब वो कंपनी का शेयर्स को पब्लिक को सेल करने के का इनिशियल ऑफर देता है, इसमें लोग एप्लीकेशन करता है, कंपनी का फिक्स किए गए इशू प्राइस में ये एप्लीकेशन जाती है, फिक्स्ड शेयर्स का शेयर साइज होता है जिसमें आपको ये एप्लीकेशन करना होता है, उसके बाद ये शेयर्स अलॉटमेंट होती है कंज्यूमर्स को और क्लाइंट्स को, और फिर वो शेयर्स एक्सचेंज में लिस्ट होता है। इस पूरी प्रोसेस के बीच में एक टाइम ऐसा भी आता है जब शेयर्स ऑफर जो मैंने बोल रहा था ऑफर हो चुके होता है, मगर लिस्टेड नहीं होने से में थोड़ा टाइम रहता है। इस टाइम पे ऑफ द टेबल इन द शेयर्स का बाइंग और सेलिंग ये कोई एक्सचेंज के थ्रू में नहीं होता है या कोई अनऑफिशियल होता है ये,
लेकिन ये इलीगल नहीं है। इन शेयर्स में बाइंग और सेलिंग होता है जिसमें कोई एक्सचेंज इन्वॉल्व नहीं होता है। ये बाइंग और सेलिंग सेबी या कोई भी एक्सचेंज का द्वारा रेगुलेटेड भी नहीं होता है। इसमें कोई कंपनी या इंडिविजुअल अपने कॉन्ट्रैक्ट्स के थ्रू अलॉट हुए शेयर्स को खरीदते हैं या बेचते हैं। आप समझ लीजिए कि कोई कंपनी के शेयर्स का इशू प्राइस था 100 रुपीज़ पर शेयर और उसको ग्रे मार्केट प्रीमियम 20 रुपीज़ प्रीमियम में डील किया रहा है, उसके लिए ये मतलब होता है कि वो शेयर 120 रुपीज़ पर शेयर के में बिक रहा है। ये प्राइस कैसे फिक्स होता है इसके एक छोटा एग्जांपल मैं आपको दूंगा। लेकिन ये 100 रुपीज़ का शेयर 120 रुपीज़ में, ये जो लोग मतलब एक्सपर्ट है टेक्निकल एनालिसिस करता है वो बहुत कंपनी का मैनेजमेंट ये सब बहुत सारा चीज़ फंडामेंटल एनालिसिस करके ये इसको फिक्स करता है। इसी कहते हैं ग्रे मार्केट प्रीमियम या फिर से GMP। और नॉर्मली होता है जैसे है कि अगर कोई शेयर्स का ग्रे मार्केट प्रीमियम 20 रुपीज़ तो वो शेयर 120 रुपीज़ पर ही लिस्टेड होता है। तो ये GMP एक इंडिकेटर है कि शेयर्स के में लिस्टिंग गेन होगा या फिर लॉस होगा। आप आइए GMP का बारे में कुछ बातें जान लेते हैं, ठीक है। GMP और कोस्टक रेट, ये जो मैंने बोल रहा था कोस्टक रेट के बारे में कुछ बातें। कोस्टक रेट वो चीज़ है कि अगर आप अपने IPO का एप्लीकेशन कोई इंडिविजुअल कंपनी को बीच देते हैं हो तो उसका जो रेट है उसको कोस्टक रेट बोलते हैं। अगर आपने किसी को आपका 5 IPO एप्लीकेशन बीच बेचा है और क्या आपको सिर्फ 2 एप्लीकेशन ही अलॉट हुआ है तो फिर अभी आपको पूरा प्रॉफिट मिलता है। और मतलब आपका सोच लीजिए आप दूसरे को बेच दिया है तो आपका आप 5 IPO खरीदा था उसमें से आपको 2 मिल रहा है, लेकिन आपका पूरा पैसा जो आपका IPO खरीदेगा तो उसका आप 5 IPO का ही पूरा पैसा आप लोग को आपको मिल जाएगा। और आपको अलॉट किया गया शेयर ये बहुत ही एक प्रॉफिटेबल है, ये आप लोग जो ऑप्ट कर सकता है इसके बारे में सोच सकता है। लेकिन एनालिसिस और ये बहुत ही अच्छा होना चाहिए, सोच समझ के देख के करना पड़ेगा, नहीं तो लॉस भी आएगा। और आपके अलॉट किए गए शेयर्स में से जो प्रॉफिट होगा भी आपको आपके एप्लीकेशन के बायर को देना पड़ेगा। तो इसी तरीके से लिस्ट होने से पहले शेयर्स को ट्रेड करने का 2 तरीका है। अब आपने IPO शेयर्स को ग्रे मार्केट में बाई एंड सेल कर सकते हैं। आप IPO एप्लीकेशन बाई और सेल कर सकते हैं। ग्रे मार्केट के साथ ऑफिशियल IPO मार्केट का कोई रिश्ता नहीं किया है क्योंकि ग्रे मार्केट ओवर काउंटर दिए गए खुले दर की तरह होती है जिसका कोई रेगुलेशन नहीं है, इसलिए ये बिल्कुल ही अनऑफिशियल है। ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है कि पूरा मामला शुरू होता है IPO का एप्लीकेशन डेट बंद होने बाद। कोई सेलर अपने IPO एप्लीकेशन को सेल करने के लिए ग्रे मार्केट के डीलर के पास जाता है। ये ग्रे मार्केट डीलर्स अपने खुद ही के एक्सपीरियंस कंपनी का टेक्निकल एनालिसिस और बाकी इंडिकेटर्स को ध्यान में रखते हुए एक ग्रे मार्केट प्रीमियम फिक्स करता है। ये कभी इशू प्राइस से ज़्यादा होता है, कभी इशू प्राइस से कम होता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये गेस सही होता है क्योंकि इनके एनालिसिस पक्के टेक्निकल ग्राउंड्स पे होता है। ऐसे ही एक ग्रे मार्केट प्राइस फिक्स होने के बाद एक डॉक्यूमेंट या सेल डीड भेजा जाता है डीलर के तरफ से सेलर को। इस डीट के मुताबिक सेलर को अगर शेयर्स अलॉट होता है तो वो डीलर की इंस्ट्रक्शन के हिसाब से उसको बेचेंगे या फिर शेयर्स को किसी दूसरे डीमैट अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। मतलब एक बार ये ग्रे मार्केट पे सेल होने के बाद शेयर्स का ओनरशिप डीलर के पास चला जाता है। लेकिन अगर शेयर्स अलॉट नहीं हुए तो फिर एग्रीमेंट नॉल एंड वॉइड हो जाता है बिना किसी सेटलमेंट के, यानी कोई भी पैसे का आदान प्रदान नहीं होता है। बहुत लोग पूछते हैं कि क्या ट्रांसफ़र टैक्सेबल है, तो ये बिल्कुल टैक्सेबल है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के टैक्स के अंदर ये डील आ जाता है और आपको इस डील के प्रॉफिट अमाउंट पे टैक्स देना होता है, ठीक है। ये था ग्रे मार्केट के बारे में। मैंने थोड़ा सा बॉस कॉल इधर से देख सकता है ग्रे मार्केट के बारे में और भी जानकारी के लिए।
देखिए आईपीओ ग्रे मार्केट प्रीमियम लेटेस्ट आईपीओ जीएमपी एंड कोस्टक रेट इक्विटी ऑफ स्मॉल बैंक आईपीओ जीएमपी इज नाउ गोइंग डाउन टू फ्रॉम 15 to 3। मतलब इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम गिर गया है इक्विटास का 15 to 3 हो गया। वी कैन एक्सपेक्ट आईपीओ इन द नियर टर्म और केपीआर एग्रोकेम केपीआर एग्रोकेम एंटोनी वास्ट लोधा डेवलपर्स ये सब के ऊपर आप लोग नज़र रख सकते हैं। आकाश एडुकेशन सर्विस ये सब आने वाला है उसके टाइम जो ग्रे मार्केट प्रीमियम का फैसिलिटीज आप लोग या कोस्टा ग्रेड का फैसिलिटीज आप लोग उठा सकता है। सेंचुरी मेटल रिसाइकलिंग आमी ऑर्गेनिक्स आक्स इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स पुरानिक बिल्डर्स निहिलैंड टेक्नोलॉजीज मिलिटेक मशीनरी फेनफर प्रोडक्ट्स हिंदुजा लेलैंड फिनंस रई इक्विपमेंट फिनंस ये सब आप लोग देख सकता है, ये आप लोग पूरा पढ़ सकता है ठीक है। ये आप लोग लाइव डेली अपडेट के लिए आप लोग इस वेबसाइट को यूज़ कर सकता है ipwatch.in ठीक है। लाइव ग्रे मार्केट प्रीमियम देखिए इक्विटास में 22 अक्टूबर में स्मॉल बैंक में अभी ग्रे मार्केट प्रीमियम 2 to 3 rupees चलता है तो 2 to 3 rupees भी कम नहीं होता है ठीक है। और ये सब आने वाला है, ये सब आप लोग देख सकता है, ये सब आएगा इसका बाद में 90% प्रॉफिट इन। अच्छा ये तो बाद में छोड़िए ऐड है। अच्छा गेट डेली अपडेट और अच्छा ये सब आप लोग देख सकते हैं। आई पी ओ नोट फॉर इन्वेस्टर्स आई पी ओ ग्रे मार्केट प्रीमियम मेंशन इज वैलिड फॉर द स्पेसिफिक डेट एज मेंशन इन द हेडर वी आर नॉट बाइंग सेलिंग आई पी ओ फॉर्म्स ऑन द आई पी ओ ग्रे मार्केट कोस्टक रेट इज प्रीमियम वन गेट्स बाइंग बाई सेलिंग इज आर आई पी ओ एप्लीकेशन टू समवन एल्स इवन बिफोर द अलॉटमेंट और लिस्टिंग ऑफ द इशू डू नॉट सब्सक्राइब फॉर आई पी ओ बाई जस्ट सीइंग प्रीमियम प्राइस एज इट मे चेंज एनी टाइम बिफोर लिस्टिंग सब्सक्राइब ऑनली कंसिडरिंग फंडामेंटल ऑफ द कंपनीज ठीक है। व्हाट इज द ग्रे मार्केट प्रीमियम फिर से देखते हैं इसके बारे में और ज़्यादा जानते हैं। द ग्रे मार्केट प्रीमियम इज द टर्म पीपल यूज इन आई पी ओ मार्केट इट मीन्स द स्टॉक ऑफ द कंपनी दैट केम अप विद द आई पी ओ बॉट एंड सोल्ड आउटसाइड द स्टॉक मार्केट। द ग्रे मार्केट इज अनऑफिशियल बट टू गेट द फिक्सड गेन ऑफ द स्टॉक वन कैन बाई और सेल इट्स आई पी ओ एप्लीकेशन। द ग्रे मार्केट वर्क्स बिफोर द आई पी ओ लिस्टिंग ड्यूरिंग द डेज ऑफ द आई पी ओ स्टार्ट एंड अलॉटमेंट। द ग्रे मार्केट प्रीमियम इंडिकेट्स हाउ द आई पी ओ माइट रिएक्ट टू ऑन द लिस्टिंग डे इफ द कंपनी कम्स विथ द आई पी ओ रुपीज 100 एंड द ग्रे मार्केट प्रीमियम इज अराउंड रुपीज 20 देन वी कैन एज्यूम दैट द आई पी ओ टू लिस्ट 120 rupees ऑन द लिस्टिंग डे देर इज नो रिलायबिलिटी बट इन मोस्ट केसेस जीएमपी वर्क्स प्रॉपरली एंड आई पी ओ लिस्ट अराउंड द गिवन प्राइस। तो ये आप लोग को डीलरी के पास जब जाएंगे तो इसका डीलरी आप लोग को सेट कर देंगे उसका, तो इसका आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तो व्हाट आप लोग करते हुए भी आप लोग जस्ट फंडामेंटल के बारे में आप अवॉर्ड सकते हैं कंपनी के फंडामेंटल के बारे में, लेकिन ये जो प्रीमियम सेट होता है उसके बारे में आपका कुछ है नहीं। वो लोग जो सेट करेगा उसी के में आप लोग को करना पड़ेगा। एज द ग्रे मार्केट रिच रिएक्ट कोस्टक रेट ऑल्सो रिएक्ट दैट वे वन कैन बाई एंड सेल फुल आई पी ओ एप्लीकेशन ऑन द कोस्टक रेट आवर आउटसाइड द मार्केट एंड फिक्स द प्रॉफिट। द कोस्टक रेट्स अप्लाइज इन सच एप्लीकेशन फॉर IPO and sold the same at 20 rupees 2500 per application. It means you have secured the IPO at 12,500 rupees. If it gets the allotment in 2 applications, still his profit will be the same. Now if the sales stock which got the gets around 25,000 and see remaining the profit of the guy who bought the application. What is subject to sauda? As per the Kotak Kostak rate, the subject to sauda on the application decided to get the firm allotment. If one buys sales IPO application, sauda means one can get said amount. If one we will get the allotment, otherwise sauda will be cancelled. In this one cannot fix their profit as it depends on the again if one allotment and he sold the application around that rupees 10,000 and the profit gets goes around 15,000, then one should pay rupees 5,000 to the guy who bought the application ठीक है। ये सब आप लोग देख सकते हैं, इसके बारे में और भी जानकारी लिख सकते हैं और भी है इसमें से भी आप लोग देख सकते हैं। आई पी ओ ग्रे मार्केट प्रीमियम एंड डिस्कशन स्टे अपडेटेड लेटेस्ट डिटेल्स ऑफ आई पी ओ प्रीमियम इसको इस साइड से भी आप लोग देख सकते हैं ipocentral.in ठीक है। तो इस तरह से देखिए इक्विटास के बारे में बोल रहा है, आई पी ओ के बारे में भी बोल रहा है ठीक है। ये सब आप लोग पढ़ सकते हैं इधर से धीरे धीरे।
अच्छा, ये सब तो ऑलरेडी चला गया है, ये जो सब डेट दिख रहा है ऑलरेडी इसका चला गया है। तो दोस्तों ये था ग्रे मार्केट प्रीमियम के बारे में। मैंने और भी एक चीज़ डिस्कस करूँगा, वो है गोल्ड इन्वेस्टमेंट इस दिवाली में सही रहेगा क्या। इसमें भी बहुत सारा चीज़ लिखा हुआ है, तो देखते हैं, आप लोग को पढ़ के सुनाता हूँ। दोस्तों दिवाली आने वाली है, सब लोग सोच रहे होंगे कि दिवाली ऐसा क्या करें ताकि इकोनॉमिक स्लोडाउन से होने वाली परेशानी थोड़ी कम हो। दिवाली से पहले आने वाली धनतेरस में मौके पर देश की जनता में सोना खरीद का एक कल्चर बहुत दिनों से चला आ रहा है, लेकिन इसी के बीच ऐसे खबर या वीडियोस भी सामने आ रहा है जो कह रहे हैं कि गोल्ड में इस बार इन्वेस्ट करना सही नहीं होगा, क्योंकि मार्केट बहुत अनसर्टेन है, बहुत वोलेटाइल है, पैसा डूबने के चांसेस है फला फला। तो इन सब खबरों में बीच में जो सही और एनालिसिस वो हमेशा की तरह मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, और उसको जानने के लिए और मेरे साथ जुड़ने के लिए मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो एंजल बुकिंग का इसमें मेरा मैंने पहले ही बोला था, मैं इसका जो फैसिलिटीज़ है मेरा लिंक दिया जाएगा, उसमें से आप लोग ज्वाइन होता है, बहुत फैसिलिटीज़ मिलेगा। अच्छा, गोल्ड प्राइस का क्या है, सबसे पहले समझते हैं गोल्ड क्या है। गोल्ड के एक प्रेशस मेटल कैटेगरी में आने वाला कमोडिटी जो कमोडिटी एक्सचेंज में ट्रेड होता है। गोल्ड प्रेशस मेटल क्यों है, क्योंकि दुनिया में बहुत कम मिलता है और चमकदार भी है। गोल्ड के साथ इन्वेस्टमेंट का रिश्ता क्या है, ये सब इम्पोर्टेंट सवाल है। और इकोनॉमी में एक स्टैंडर्डाइज करेंसी होता है, दुनिया में मेजर इकोनॉमिक्स का स्टैंडर्ड करेंसी है गोल्ड करेंसी। हम जिसको यूज़ करते हैं वो बर्वर्स नोट है, यानी पेपर करेंसी। लेकिन पेपर का पैसा असली में इकोनॉमी का ये स्टैंडर्ड नहीं है, ये पेपर का पैसा रिप्रेजेंट करता है गोल्ड में हमारी वर्थ को, यानी सोना अल्टीमेटली मापदंड है जो दुनिया का इकोनॉमी को चलता है। आप समझते हैं कि जरूरत, आप लोग कुछ जब लोन लेता है कुछ दूसरे के साथ, सोच लीजिए इंडिया में ब्रिटेन से लोन लेगा या अमेरिका से लोन लेगा, तो गोल्ड को मॉर्गेज रखता है, तो ऐसे करके चलता है। तो ये सब आप लोग को बहुत एनीवे आप समझने का ज़रूरत होता है कि आज 15 साल पहले सोने सोने का भाव कितना था पर 10 ग्राम, 7,000 रुपीज़। ये आज के से 15 साल पहले, यानी 2005 की बात कर रहा हूँ। आज इन्वेस्टमेंट न्यूज़ मिलने तक सोने का भाव 52 के पर मतलब 52,000 पर 10 ग्राम है। यानी अगर किसी ने 10 लाख का इन्वेस्टमेंट 15 साल पहले सोने में किया होता किया है, तो उसको कितना पैसा मिलेगा आज, 7 करोड़ 42 लाख मिलेगा। और वो आज बेचना है, यानी 15 साल में 10 लाख रुपीज़ 7.4 करोड़ का रिटर्न दे रहा है। तो आप समझ गए होंगे कि गोल्ड के लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट एसेट है। यानी अगर आपके पास थोड़ा पैसा है जिसको आप बिना यूज़ करके अगले 15 साल काम चला सकते हैं, तो फिर गोल्ड आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। अच्छा, क्या इस दिवाली में इंडिकेटर सही है? इस साल जा सब लोगों का यही कहना है, शायद इकोनॉमी डाउनटर्न को देखते हुए सोने का ही खरीदने को अच्छा होगा, क्योंकि कोविड-19 का वजह से पूरा फ्यूचर अनसर्टेन है। इसीलिए आपको पैसा सेव करके रखना है चाहिए, और खर्चा करने का पहले वो 10 बार सोचना चाहिए कि जो पैसा खर्चा कर रहे हैं वो पैसा वापस कैसे आएंगे। ये बात गलत नहीं है कि कोविड का इम्पैक्ट अब तक अनसर्टेन है और इकोनॉमी को काफ़ी इम्पैक्ट पहुँच रहा है, लेकिन ये बात भी सही है कि सोने का भाव गिरने के नहीं वाले। आप एक्सचेंज के बढ़ से अब तक ट्रेंड देखिए देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि ये प्राइस ऊपर गए हैं हमेशा, ठीक है। ये प्राइस मतलब जब से ये एक्सचेंज में लिस्टेड हुआ है गोल्ड, तो ये ऊपर ही गया है, कभी गिरा गिरता नहीं है। आपको बहुत पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है, पिछले साल के इसी वक्त अगर आप गोल्ड प्राइसेस चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसी वक्त पिछले गोल्ड प्राइसेस 39 के पर 10 ग्राम था। यानी अगर आप पिछले साल भी गोल्ड खरीदते हैं आपको भारी प्रॉफिट मिलता है 25 से 30% तक। ये भी एक साल में परसेंट मार्केट प्रेजेंट मार्केट कंडीशन के बेसिस पर अच्छा रिटर्न्स है, बहुत अच्छे रिटर्न्स है, क्योंकि बैंक्स में फिक्स डिपॉजिट का अभी 4.9% हो गया जो ना होने के बराबर है, ठीक है। मार्केट स्पेशलिस्ट का कहना है कि
अगले 10-15 साल में गोल्ड का प्राइस इतना ज़्यादा स्टीप यानी हाई ग्रोथ नहीं होगा। एक्सपर्ट्स के मुताबिक अगले 10-15 साल में गोल्ड प्राइस पर 10 ग्राम 70 से 80 हज़ार के आसपास पहुँचेगा, जो आज 52 पे है, यानी भी ये भी 50-60% का इंक्रीमेंट, जो आज के हिसाब में भी बहुत ही अच्छा है। तो गोल्ड में इन्वेस्ट अगर करना है तो बना लीजिए कि ये एक लॉन्ग टर्म यानी 10 साल का मामला होने वाला है, और ये अचानक ज़रूरत पड़ी तो आप शायद यूज़ नहीं कर पाए। लेकिन अगर आपको एक अच्छा रिटायरमेंट फंड और इन्वेस्टमेंट की तलाश है तो गोल्ड में इन्वेस्ट बिल्कुल कीजिए और आने वाले दिवाली को और भी हैप्पी बनाएं, ठीक है। तो मैंने एक बात बोलता हूँ कि जो मेरा बात नहीं है, वॉरेन बफेट का बात है कि जो सभी ने जिधर आप डरता है उसी टाइम आप लोग खरीद लीजिए, और जो भी सभी ने जो ग्रीड करता है, सभी ने खरीदना चाहता है, जो सभी ने जो मतलब ग्रीड होता है कि अब मैंने हिंदी इतना अच्छा नहीं जानता हूँ, तो एनीवे तो सभी ने जिधर उधर आप मत जाइए, उधर आप लोग इन्वेस्ट मत कीजिए। तो इसी के बारे में ये मेरा कहना नहीं है, ये मशहूर इन्वेस्टर्स टर्म ट्रेडर वॉरेन बफेट का कहना है। तो और एक फियर एंड ग्रीड भी एक इंडेक्स होता है जो इंडेक्स के ऊपर भी चलता है। तो सभी ने जिस टाइम डरता है तो उस टाइम आप खरीद लीजिए, और जब सभी ने ग्रीड कर रहा है उस टाइम बेच दीजिए या कुछ मत कीजिए। तो एनीवे इसके बाद मैंने कुछ खबरें दिखाऊंगा जो आप लोग को इसमें से भी मिलेगा। अच्छा, तो इसमें मैंने लिंक का देता हूँ आप लोग को। मैंने ग्रिड फियर इंडेक्स का भी जब मार्केट एनालिसिस करता हूँ उसको भी दिखाता हूँ। एनी अच्छा, ये वोडाफोन आइडिया क्वार्टर टू लॉस नैरोस टू, इतना ठीक है, ये खबर आप लोग देख सकता है। मैंने धीरे धीरे इधर से मैंने इतना सारा पढ़ नहीं सकता तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा, आप लोगों को भी इतना बड़ा वीडियो देखने का मैंने धीरज नहीं रखेगा, अच्छा नहीं लगेगा। तो आप लोग इधर से मैंने आप लोग को दिखा देता हूँ, पॉज करके आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जो है और बैंक ऑफ बड़ौदा क्वार्टर टू रिजल्ट, नेट प्रॉफिट इतना ठीक है, नेट प्रॉफिट दिखा रहा है बैंक बड़ौदा, ये सब दिखाते हैं, दिखा सकता हूँ नहीं भी दिखा सकता हूँ क्योंकि इसका लिंक मैंने प्रोवाइड कर दूंगा, और ये जो है इसको भी आप लोग देख इसको मिल जाएगा, ग्रे मार्केट प्रीमियम और गोल्ड इन्वेस्टमेंट का, ठीक है। ग्रे मार्केट प्रीमियम और गोल्ड इन्वेस्टमेंट दोनों ही बहुत ही अच्छा मतलब ऑप्शन है, ग्रे मार्केट प्रीमियम और कोस्टक रेट, ठीक है। तो बैंक बड़ौदा का ये खबर आप लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो इधर से आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद देखते हैं और सब न्यूज़ मैंने एक पूरा खुल के नहीं दिखाऊंगा, और एक को खुल के दिखाने से बहुत ही मतलब टाइम जाएगा। ये क्या है, एक्सपायर शुड यू बाई गोल्ड दिस दिवाली, ये भी एक देखिए, इधर भी एक इसमें दिया, इंडियन एक्सप्रेस में बोल रहा है, देखता है इसको गोल्ड प्राइस दिवाली, शुड यू इन्वेस्ट इन गोल्ड दिस दिवाली, ये आप लोग देख सकते हैं, ऑन मुंबई एच फेस पाई का ग्लोबल कोविड नंबर्स एंड कंटिन्यूइंग अनसर्टेनिटी रीइंफोर्स केस फॉर इन्वेस्टिंग इन गोल्ड व्हिच प्राइसेस आर एक्सपेक्टेड टू फॉर्म अप द इन्वेस्टमेंट शुड बी इन गोल्ड बॉन्ड्स पीरियडिकली, ठीक है। अब लोग मतलब फिजिकल गोल्ड ना खरीद के गोल्ड का बॉन्ड भी खरीद सकता है, ठीक है। तो ये देखिए, ये सब आप लोग देख सकता है, इसके बारे में भी आप लोग सोच सकता है।
जो गवर्नमेंट का एक बॉन्ड होता है, मेरा जितना सा जानकारी है 8% गोल्ड बॉन्ड, वो अभी वैलिड है क्या नहीं है आप जानता नहीं है, आप लोग पता लगा सकता है। तो उसमें से एक्चुअली ये बहुत ही सिक्योर्ड है, जो मतलब डेट बॉन्ड है इसका मतलब रिटर्न तो कम होगा लेकिन बहुत ही मतलब सिक्योर्ड होगा, बहुत ही मतलब 100% सिक्योर होता है, रिस्क फ्री रिटर्न इसका बोलता है। तो उसमें से भी आप लोग इन्वेस्ट कर सकता है। अच्छा अमेजन का भी आप लोग न्यूज़ देखा है, अमेजन का क्या बोल रहा है, अमेजन अलर्ट सेबी टू फ्यूचर रिलायंस ऑर्डर, ठीक है इसका भी आप लोग देख सकता है। अच्छा स्नाइडर डील बूस्ट एलएनटी क्वार्टर नेट प्रॉफिट, एलएनटी का नेट प्रॉफिट बढ़ गया है स्नाइडर डील से लिए, स्नाइडर के साथ उसको डील है, स्नाइडर भी एक इलेक्ट्रिकल कंपनी है, इसके साथ एलएनटी का कुछ डील हुआ है जिसके वजह से एलएनटी का प्रॉफिट बढ़ गया है, वो भी आप लोग देख सकते हैं। बहुत सारा इम्पोर्टेंट न्यूज़ इधर से आप लोग को मिल जाएगा। गेट ऑल थोड़ा सा नेट का प्रॉब्लम होता है तो इसीलिए मैंने खुल के नहीं दिखाया, ठीक है ये आप लोग को मिल जाएगा इधर। स्नाइडर डील बूस्ट एलएनटी क्वार्टर टू नेट प्रॉफिट 2,5,520 को, रेवेन्यू डिप्स 12%, ठीक है नेट प्रॉफिट तो बढ़ गया लेकिन रेवेन्यू डिप्स हुआ है 12%, इसका आप लोग देख सकते हैं, इसको आप लोग धीरे धीरे पॉज करके करके पढ़ सकता है इधर से, नहीं तो यूट्यूब वीडियो का डिस्क्रिप्शन से आप लोग पढ़ ले सकता है। और पिडिलाइट इंडस्ट्रीज प्राइस राइज, ठीक है मैंने पूरा नहीं खुल कर दिखाता हूँ। पिडिलाइट इंडस्ट्रीज शेयर प्राइस राइज 2% ऑन एक्विजिशन ऑफ हंट्समैन ग्रुप, इंडिगो रिपोर्ट थर्ड कंजिक्यूटिव लॉस, ठीक है पीआई इंडस्ट्रीज शेयर्स, ये सब आप लोग को पूरा लिंक सबसे मिल जाएगा। बीपीसीएल का क्वार्टर 2 स्टैंड अलोन ये सब, अच्छा उसका और भी एक फाइल है इधर से, रिलायंस स्लिप्स 15% टू 9,9567 करोड़ एज प्रॉफिट हिट्स ऑयल बिजनेस, ठीक है रिलायंस का प्रॉफिट कम गया है, ठीक है डीएलएफ क्वार्टर, ये सब न्यूज़ आप लोग देख सकते हैं, मैंने इधर से खुल कर मैंने प्रोवाइड कर दूंगा। डीएलएफ क्वार्टर 2 प्रॉफिट नेट प्रॉफिट डाउन 48%, इंडसइंड बैंक क्वार्टर 2 प्रॉफिट 53%, ये आप लोग जब मतलब ट्रेडिंग करेंगे या शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करेंगे ये सब सेक्टर को आप लोग ध्यान में रख सकता है कि कौन सा सेक्टर में क्या हो रहा है। तो इंडसइंड बैंक का क्वार्टर प्रॉफिट फॉल्स, और किसके बारे में सोच लीजिए, बैंक निफ्टी किसके बारे में ऊपर जाएगा और किस किसके बारे में का कौन सा स्टॉक के बारे से कौन सा बैंक के प्रॉफिट से मतलब शेयर से ये नीचे आ सकता है, खींच के ऊपर या उठाएगा या खींच के नीचे लाएगा, तो ये सब भी आप लोग सोच सकता है। तो बैंक बड़ौदा देखिए नेट प्रॉफिट डबल हुआ है, इंडसइंड बैंक क्वार्टर टू प्रॉफिट फॉल हुआ है, कोटक महिंद्रा बैंक का फॉल हुआ है, तो ये सब आप लोग को मतलब थोड़ा सा मतलब एसिमिलेट करना है। न्यूज़ तो आप लोग देखते हैं बहुत सारे लेकिन कौन से को इकट्ठा करना है, एसिमिलेट करना है और किसको काम पे लगाना है ये सब देखना पड़ता है, तो इसीलिए न्यूज़ का ज़रूरत होता है। तो ये देखिए ये सब का लिंक आप लोगों को दिया जाएगा। तो नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद, मैंने वीडियो यही ख़त्म करता हूँ, और आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगेगा तो ज़रूर पसंद कीजिएगा, और आप लोग का ओपिनियन के लिए आप लोग या कुछ क्लैरिफिकेशन या इन्फॉर्मेशन चाहिए ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लीजिए, मैंने ज़रूर आप लोग को रिप्लाई दूंगा।
तो धन्यवाद, और इसको अच्छा लगेगा तो दूसरे के साथ भी शेयर कीजिएगा। थैंक यू।